हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ट्यूटोरियल वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ सीक्वेंस पैरामीटर का सेटिंग। सीक्वेंस में क्या क्या पैरामीटर सेटिंग होता है उसके बारे में देखते हैं आज के वीडियो में। इससे पहले मैंने ये थ्रेड ट्रिमिंग पैरामीटर के बारे में वीडियो डाला था, आप लोग ने देखे होंगे। अगर आप नए हो, नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को भेजिए। ये सीक्वेंस पैरामीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो पंजा की है इसको दबा के फिर 7 नंबर दबाएंगे, इंटर करेंगे। मशीन पैरामीटर में घुसने के बाद में फिर यहाँ 6 नंबर में सीक्वेंस पैरामीटर सेटिंग है, 6 नंबर दबा के इंटर करेंगे तो आप उसका सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले उस सेटिंग में है स्पीड फॉर सीक्वेंस राइट। राइट सीक्वेंस के लिए स्पीड कितना है तो लिखा है 740। ये आप अपने मर्जी से जितना में अच्छा चलता होगा मशीन उतना रख सकते हैं। और दूसरे नंबर है स्पीड फॉर सीक्वेंस लेफ्ट। लेफ्ट सीक्वेंस अगर आपके पास चलता होगा तो उसमें मतलब जितना में अच्छा चलता है उतना रख सकते हो, पर हमारे में लेफ्ट सीक्वेंस नहीं है, इसके लिए हम तो ऐसे ही बाई डिफॉल्ट जो 400 था वो 400 का 400 भी है। तो लेफ्ट सीक्वेंस चलता होगा तो उसके लिए आप इस ए सेटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो। तीसरे नंबर पे है सीक्वेंस राइट एडजस्टमेंट एंगल। राइट सीक्वेंस का एडजस्टमेंट एंगल कितना चाहिए आपको तो ये -15 से 15 तक है, तो उसके बीच में आप कितना भी रख सकते हो। हमारे केस में ये 0 है, हमने इसको कुछ भी छेड़ा नहीं है। तो फिर दूसरा चौथा नंबर पे आता है सीक्वेंस लेफ्ट एडजस्टमेंट एंगल, तो वो भी उतना ही है। लेफ्ट सीक्वेंस तो हमारे पास है भी नहीं, इसके लिए उसको हमने चेंज भी नहीं किया है, ठीक है। फिर 5 नंबर में आता है ऑटो स्टार्ट फॉर सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए तो उसके लिए यस किया है, अगर आप नो कर देंगे तो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये यस ही रहने दीजिए। और 6 नंबर में जो है कुछ है ना, ये 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर ये सब में पासवर्ड लगता है, इसके लिए पासवर्ड डाल के आप चेंज कर सकते हो। तो ये जो टाइम ऑफ सीक्वेंस एक्शन जो ये 6 नंबर में टाइम ऑफ सीक्वेंस एक्शन, सीक्वेंस का काम करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए वो है, ये जो 2 है तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। पर फिर 7 नंबर में जो है सीक्वेंस ऑफ आफ्टर थ्रेड ब्रेक, टीवी मतलब थ्रेड ब्रेक, सीक्वेंस ऑफ हो जाना चाहिए क्या धागा टूटने के बाद, तो हमने नो रखा है। इसको आप इंटर करके अप डाउन एरो से इससे अप डाउन करेंगे तो वो बदलेगा यस नो, ठीक है। तो हमारे केस में ये नो है, हमको ऑफ नहीं होना चाहिए। फिर आपका 8 नंबर में है सीक्वेंस IND अप डाउन, इसके बारे में पर्याप्त मालूम नहीं है सीक्वेंस IND अप डाउन ये किस लिए है, तो ये हमने छेड़ा भी नहीं है, इसको नो ही रखा है, यस नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। फिर 9 नंबर में जो ऑफ वॉल्व हुईन जंप एंड कट, ऑफ वॉल्व जो वॉल्व क्या काम करना चाहिए, जंप और कट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके बारे में है, तो ये नो। वॉल्व मतलब जो हवा आता है उसका कंप्रेसर सीक्वेंस के अंदर, तो इसमें हमने भी इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट नो ही था, नो ही किया है। अपने मशीन पे कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कि उसको यस किया जाए। और ये जो है राइट नाइफ स्टार्ट एंगल एडजस्टमेंट, राइट सीक्वेंस के लिए नाइफ स्टार्ट एंगल एडजस्टमेंट कितना होना चाहिए तो 15 है हमारे केस में, 0 से 31 के बीच में आप रख सकते हो इसको। और यहाँ 11 नंबर में है जो ये पासवर्ड वाले हैं, फिर 11 नंबर से आपको 18 नंबर तक पासवर्ड वाले हैं, 11 से 18 तक। तो इसमें देखिए 11 नंबर में लेफ्ट नाइफ स्टार्ट एंगल एडजस्टमेंट, तो इसको भी हमने 15 ही रखा है, लेफ्ट सीक्वेंस के लिए है पर ये बाय डिफ़ॉल्ट है 15, हमने इसको छेड़ा नहीं है। फिर बीट ब्रोकन सेंसिटिव, ये बीट के लिए
तो इसको भी हमने जीरो ही रखा हुआ है। मोटर नंबर ऑफ राइट सीक्वेंस ये आया 13 नंबर पे। मोटर नंबर ऑफ राइट सीक्वेंस, इसमें जितना आपका डबल सीक्वेंस वाला डिवाइस होगा तो आप इसको दो रखना है, और मोटर के लिए है तो 3 mm 5 mm किस किस में चलाना है उसके बारे में है ये। तो दो रखने के बाद में इधर के जो बाकी है ये सब खुलेंगे, इसके लिए पासपोर्ट लगता है। पासपोर्ट लगा के फिर दो नंबर, दो अगर सैंडविच सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस आपके चलते हैं 3 mm 5 mm 7 mm 5 mm ऐसा कोई भी चलता है, तो आपको इस तरह दो रखना है। अगर सिंगल सीक्वेंस है, सिंगल एक ही कटिंग होता है, तो आपको एक रखना है। तो इधर नीचे वाले फंक्शन खुलेंगे, तो नीचे वाले में 3 mm के लिए राइट सीक्वेंस का रोलर 3.5 degree है, और ये जो 4 mm राइट सीक्वेंस का रोलर है वो 14.4 degree है, हमारे राइट सीक्वेंस ही है खाली। और ये 5 mm ऑफ राइट सीक्वेंस इसका 19.8 degree है, और बाकी ये 6.75 mm का भी 14.4 degree है, और ये 9 mm राइट सीक्वेंस का रोलर वो भी 14.4 degree है। वो ये सब तो चल नहीं रहे हमारे में, खाली 5 mm चलते हैं और 3 mm चलता है। ये 3 mm और 5 mm 13 और 19.8, और ये जो है 19 नंबर का आप कलर चेंज कर सकते हो सीक्वेंस का। तो जैसे साइज़ ए मोटर जो है उसमें कलर कौन सा रखना है इसको आप चेंज कर सकते हो। 3 mm सीक्वेंस हो गया, उसके बाद में फिर एक बार इंटर करेंगे तो सिल्वर कलर आता है। सिल्वर को हम अगर गोल्डन, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लू कर देते हैं, उसके बाद में 5 mm वाला को फिर इंटर करेंगे, 5 mm वाला सीक्वेंस है, उसके बाद में फिर 5 mm भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी 5 mm है, 6.75 mm हो गया, ऐसे चेंज होता रहता है। ये वाला एरो दबाएंगे तो ऐसे, तो हमारे केस में 5 mm चलता रहता है, तो इसके लिए 5 mm रखें, इंटर करेंगे। उसका अगर कलर सिल्वर रखना है या तो फिर गोल्डन रखना है, रेड रखना है, इंटर कर दिए। अब ब्लू और रेड 3 mm का सीक्वेंस होगा तो ब्लू कलर दिखाएगा, और 5 mm का होगा तो रेड कलर दिखाएगा। तो यह एक पेंच ख़त्म हो गया है, अभी दूसरा पेंच में जाते हैं पीडी बटन दबा के। फिर दूसरे पेंच में ये जो सीक्वेंस गैप नंबर ऑफ राइट सीक्वेंस लिखा है ये 9 है, मतलब सीक्वेंस चलता है तो गैप होना चाहिए कि नहीं, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो डिजाइन में जितना जगह जहाँ जहाँ लगना होता है वहाँ वहाँ लगता है, इसके लिए 9 ये इधर से हमारे मैनुअल सेटिंग में। वैल्यू टाइम ऑफ राइट सीक्वेंस ये 2 है, टाइम फॉर लेफ्ट सीक्वेंस भी, लेफ्ट सीक्वेंस का टाइम नहीं है क्योंकि हमारा राइट सीक्वेंस ही चल रहा है अभी। तो मोटर नंबर ऑफ लेफ्ट सीक्वेंस 9। अब अगर आपका लेफ्ट सीक्वेंस चलता है तो फिर यहाँ मोटर नंबर ऑफ लेफ्ट सीक्वेंस में कितना मोटर है वो वाला लिखना पड़ता। अभी जैसे ऐसे ऐसे जो 13 नंबर में है वही सीक्वेंस, ये राइट सीक्वेंस के लिए इतना सारा दिया है। उसके बाद में आप पीडी करके उधर जाएंगे तो ये फिर इस इधर का दूसरा नंबर पेंच का 3 नंबर में वही सेटिंग दिया है लेफ्ट सीक्वेंस के लिए। तो लेफ्ट सीक्वेंस में आपको कितना नंबर रखना है उसके लिए दिया है। तो अगर आपका लेफ्ट सीक्वेंस चलता है तो इधर भी एक सीक्वेंस, एक मोटर होगा तो एक, या तो दो मोटर होगा तो दो, जो भी रखना है रख सकते हैं आप, ठीक है। अब जो मोटर है वो जो मोटर ए वाला है, एक दो मोटर लगा हुआ है अपने डिवाइस सीक्वेंस डिवाइस में, और जो ऊपर वाला है एक नंबर मोटर ए है और नीचे वाला बी है। तो ये जो ऊपर वाला इधर भी आप देख सकते हो, ए वाला दबाएंगे तो एक मोटर से फेंकेगा, ऊपर वाले से फेंकेगा, बी दबाएंगे तो नीचे वाला से फिर सीक्वेंस फेंकेगा इधर। ये जो ए दबाएंगे तो इससे फेंकेगा, बी दबाएंगे तो फिर ये नीचे वाला इससे फेंकेगा। तो ऐसा मोटर लेफ्ट साइड में होगा, तो हमारे में तो एक कोडिंग लगा हुआ है, इसके लिए लेफ्ट सीक्वेंस नहीं है। आपके केस में अगर लेफ्ट सीक्वेंस होगा तो फिर आप वो सेटिंग जो लास्ट में दिखाए ये वाला, ये मोटर नंबर ऑफ लेफ्ट सीक्वेंस ये वाला सेटिंग आप कर सकते हो। चलिए देखते रहिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को भेजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर देखेंगे ये पैरामीटर्स पर ए टेपिंग एम्ब्रॉयडरी है। टेपिंग वाला तो अपने में चलता नहीं है, फिर दूसरा ही कुछ ये पैरामीटर पर ए लूपिंग एम्ब्रॉयडरी, ये लूपिंग वाला भी अपने में नहीं चलता है, ये तो एक बंद भी है शायद। अब मशीन एंड मेंटेनेंस पैरामीटर के अंदर आएंगे 9 नंबर पे, ठीक है, देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।